हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। मैं आज की बात जो लेके हाज़िर हुआ हूँ, ये थोड़ी सी अटके बात है। बात कुछ यूँ है कि जो लोग मुर्गियाँ पालते हैं, ये उनको तो पता होगा, जो नहीं पालते ये उनके लिए भी है कि मुर्गी जो है वो 12 महीने अंडे नहीं देती, यानी 12 महीने वो प्रोडक्टिव नहीं रहती। तो उसमें एक वक्त आता है, उसको कहते हैं कुड़क का टाइम। अब उसमें क्या होता है कि उस टाइम पे वो मुंह फुलाए फिरती है और ऐसे लगता है बड़ी फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है, हर एक को भाग के चोंच मारने की कोशिश करती है। इससे लगता तो बज़ाहिर ये है कि ये परेशान है और उससे प्रोडक्शन भी रुक गई, परेशानी भी पैदा हो गई और इर्द गिर्द के जो जानवर हैं, इर्द गिर्द के जो उसके साथी हैं, उन पे उनके लिए भी परेशानी पैदा हो गई। लेकिन इंसान ने इसका ये हल सोचा और बल्कि ये ऐसा मौजूद है कि जब वो जो मुर्गी है वो कुड़क के मौसम में चल रही होती है उस सीज़न में, तो उसके उसको अंडों पे बिठा दिया जाता है, यानी कि अंडों पे बिठाने से 21 दिन के बाद उससे चूजे निकल आते हैं। उस फ्रस्ट्रेशन के दौर को भी प्रोडक्शन के जो टाइम पे बदला जा सकता है। इसी तरह इंसान के ऊपर फ्रस्ट्रेशन आती है, एंग्जाइटी आती है, डिप्रेशन आता है, परेशानी आती है, कुछ हालात की वजह से आती है, कुछ हालात की वजह से आती है। तो इस दौर में क्या किया जाए? एक तो हल ये है कि आप भी उस मुर्गी की तरह हर एक को दौड़ के चोंच मारते फिरें, मुंह फैलाए फिरें और किसी से बात भी ना करें और एहतजाज करें कि आज के बाद कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं होगा। एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि एक प्रोडक्टिव की तरफ जाया जाए कि ये ऐसा हुआ क्यों आपके साथ, ये जो एंग्जाइटी है, परेशानी है, फ्रस्ट्रेशन है, ये किस वजह से आई। उस वजह को अगर एड्रेस किया जाए तो ये परेशानी जो है वो जो ऐसा परेशान कुन मौसम है उसको प्रोडक्टिव मौसम में बदला जा सकता है। तो ये एक सोच की बात है। एक और बात बताता चलूं कि जो एंग्जाइटी है ये प्रोडक्टिव होती है थोड़े टाइम के लिए अगर रहे तो, लेकिन लंबे अरसे के लिए बीमारी है। इसी तरह एंग्जाइटी जो है वो काम के बारे में सोच के बारे में, उस काम को सोचा जाए तो पैदा होती है, लेकिन उसको कर दिया जाए तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। इसी तरह आपने ये सोचना है कि आपने मुर्गी की तरह जब कुड़क का मौसम आता है और हर इंसान पे आता है, तो आपने चोंच मारते फिरना है या उसको प्रोडक्टिव जो है वो चीज़ों को लेके चलना है। थैंक यू।